राजकीय अमृत को चिकित्सालय में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों के मामले को लेकर विधायक शंकर सिंह रावत की ओर से उपखंड कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठने के तुरंत बाद ही जिले का प्रशासन ही नहीं वरन प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी हरकत में आ गई। बताया गया है कि स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक से फोन पर बातचीत की एवं जिला कलेक्टर अजमेर को समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए, जिसके बाद कलेक्टर ने अपने प्रतिनिधि के रूप में आरएस अधिकारी विशाल दवे को ब्यावर भेजकर विधायक की भूख हड़ताल समाप्त करवाई। ब्यावर में कोविड नियंत्रण के लिए लगाए गए आरएस अधिकारी ने कलेक्टर के प्रतिनिधि के तौर पर विधायक रावत से धरना स्थल पर पहुंचकर बातचीत की तथा उनकी ओर से रखी गई सभी मांगों को तत्परता के साथ पूरी करने का आश्वासन देकर रावत को धरने से उठाया। बताया गया है कि सरकार के निर्देश के बाद ब्यावर के राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय को प्रतिदिन 305 ऑक्सीजन सिलेंडर देने तथा अस्पताल में व्याप्त समस्याओं के निराकरण पर दवे ने अपनी सहमति दी। यही नहीं, दवे ने यह भी बताया कि अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए पीएमओ को भर्ती के निर्देश दिए जा चुके हैं। आवश्यकतानुसार पीएमओ कार्मिकों की भर्ती अपने स्तर पर अस्थायी रूप से कर सकते हैं। प्रभारी दवे ने विधायक रावत की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में लगे चिकित्सक जो इस समय शहरी क्षेत्रों में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं उन्हें भी तत्काल प्रभाव से अपने मूल स्थान पर भेजने पर सहमति प्रकट की है। इसके अलावा 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का कार्य आगामी एक सप्ताह के भीतर शुरू करने का भी आश्वासन दिया गया है। दवे ने मौके पर बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना की रोकथाम के लिए पहले से ही बीसीएमओ की ओर से टीम बनाकर घर घर सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है। ग्रामीणों की उचित उपचार भी मुहैया करवाया जा रहा है। जो गंभीर रोगी है उन्हें अस्पताल तक लाकर उनका उपचार करवाया जा रहा है। विधायक रावत की ओर से वेंटिलेटर को चालू करवाने की मांग पर दवे ने कहा कि जो भी वेंटिलेटर बंद है या खराब है उन्हें भी शीघ्रता से ठीक करवा कर शुरू करवा दिया जाएगा। बहरहाल विधायक रावत के भूख हड़ताल पर बैठने के बाद हरकत में आई सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई कर उनकी सभी मांगों को मानते हुए भूख हड़ताल को समाप्त करवा दिया है। प्रभारी दवे की ओर से उन्हें छाछ पिलाकर भूख हड़ताल को समाप्त करवाया। इस दौरान उपखंड अधिकारी रामप्रकाश भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रभारी दवे ने कहा कि कलेक्टर के प्रतिनिधि के तौर पर यह आया हूँ, विधायक रावत की जो भी मांगे हैं समस्याएं हैं उनकी ओर से रखी गई है, उन सब पर गंभीरता के साथ विचार किया गया है। ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई की जाएगी। स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए भी पीएमओ अकेश को निर्देशित किया गया है। भूख हड़ताल खत्म करने के बाद विधायक रावत ने कहा कि जनता हमारी है, हम उनके वोटों पर ही जीत कराते हैं, ऐसे में उनकी हिफाजत करना मेरा कर्तव्य है। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े देर से ही सही पर सरकार एवं प्रशासन सजग हुआ और ब्यावर की जनता के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए भी सहमति दी है। मैं इसके लिए सीएम अशोक गहलोत के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आज मैं सबसे पहले ब्यावर के मीडिया के भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देना चाहता हूँ। और मेरे को भी लगा कि वास्तव में ब्यावर के साथ अनहोनी हो रही है। और ये चार दिन पहले एक प्रेस वार्ता करके सरकार को अपन ने सबने मिल करके इंकर सिंह में इतनी ताकत नहीं का खेला कोई अल्टीमेटम दे दे तो इंकर को एक ही आदमी उठा ले, वजन कम है ना। लेकिन आप लोगों की ताकत से मुझे भी ताकत मिला और उसी संबल के साथ में हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि ब्यावर के साथ में अनहोनी हम नहीं होने देंगे और ये अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे। मैं मीडिया के भाइयों को और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनकी ताकत की वजह से, मेरी ताकत से नहीं, उनकी ताकत की वजह से आज सरकार को झुकना पड़ा और यहाँ आकर के एक दिन भी हमारे को धरना पूरा नहीं करने दिया। आधा दिन होने के बाद में सरकार और सारे इंडिकेटर चालू हो गए, आकर के सारी बातों को यस करके चली। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। हमारी मीडिया के भाइयों को पुनः आपका आभार, धन्यवाद।